आप इस बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे बोल को एक पट्टी को मोड़ करके बना सकते हैं। इसके आप के लिए आपको दो रंग की पट्टी चाहिए, एक तरफ भूरी एक तरफ हरी, एक स्केल और एक कटर। इस पट्टी की लंबाई है 120 सेंटीमीटर और इसका जो चौड़ा सिरा है उसकी चौड़ाई मात्र 3.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में आप इस पट्टी में 90 अंश वाले तिकोने मोड़िए। पूरी पट्टी की लंबाई में बस इतना ध्यान रखिए ये सारे ट्रायंगल्स एक ही दिशा के अंदर मुड़े हों। इस तरह से आप देखेंगे कि चौकोरों का एक स्टैक बन जाएगा और जो देखने में लगभग एक पिरामिड जैसा लगेगा, एक कम ऊंचाई का पिरामिड लगेगा। ये इसका ऊपरी हिस्सा है और ये इसका निचला हिस्सा है। अब हमें एक बार फिर इस मॉडल को रीवर्क करना पड़ेगा। थोड़ा अभी देखिए, हमने इस सांप जैसी पट्टी को खोला और फिर इस सिरे को हम अंदर फंसा देते हैं और फंसाने के बाद में उसी क्रम में और हर बार एक ही दिशा में पूरे मॉडल को मोड़ते जाते हैं। इस बार भी एक के ऊपर एक चौकोरों का एक स्टैक जैसा बन जाएगा और ये बिल्कुल अब सकरा सिरा सामने आ गया। फिर आप मॉडल को दोनों हाथ से पकड़ें और अपने दोनों अंगूठों से लेकर के मॉडल को थोड़ा सा ट्विस्ट करें तो उसके सारे जो चौकोर हैं वो फेज आउट हो जाएंगे और एक बहुत ही सुंदर नमूना दिखाई देगा जो अंत में एक ट्रायंगुलर बोल जैसा बन जाएगा। ऊपर से देखेंगे तो आपको एक कोनिकल शेप जैसी दिखाई देगी। अब आप दोबारा मॉडल को अनट्विस्ट करें, क्योंकि इसमें कई सारी तहें हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ समय जरूर लगेगा आपको। अब एक बार फिर से आप मॉडल को ट्विस्ट करें थोड़ी सी उल्टी दिशा में और इस बार आप देखिए बहुत ही सुंदर सा एक नमूना बनेगा जो देखने में एक चतुष्फलक और अंदर से एक कोन जैसा दिखाई देगा। तो एक महज पट्टी को मोड़ करके आप ये बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे नमूने बना सकते हैं।